दोस्तों, अगर आप लोग भी बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और हर बार ही आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन रहता है यानी कि अप्रूव नहीं होता, तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को कुछ कॉमन रीजन बताने वाले हैं जिसके कारण लोगों का क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है यानी कि अप्रूव नहीं होता। साथ ही वीडियो के लास्ट में आप लोग को कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिनको फॉलो करके आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो अपना क्रेडिट कार्ड अप्रूव करवा सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूं कि जो रीजंस मैं आपको बताने वाला हूं या फिर जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं उसमें मैं आप लोग को 100% सियोरिटी नहीं दे पाऊंगा। कभी कभी होता है ये भी कि जो कॉमन रीजन होते हैं उसके अलावा भी कोई अदर रीजन आपका हो सकता है जिसके कारण आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट किया गया हो। तो अगर आप लोग का भी कोई अलग रीजन रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। और भाई, आप लोग के दिमाग में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि हमें अपना रीजन कैसे पता चलेगा कि आखिर किस रीजन के कारण हमारा क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं हुआ यानी कि डिक्लाइन कर दिया गया है। तो देखिए, इसके लिए आरबीआई ने बकायदा रूल भी बनाया, बकायदा सर्कुलर अभी 26 अक्टूबर को ही जारी किया, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछला वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हो कि आरबीआई ने क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए कौन से नए नियम बनाए हैं। ओके दोस्तों, अब आप लोग को बताते हैं वो कॉमन रीजन जिनके कारण लोगों का क्रेडिट कार्ड बार बार डिक्लाइन कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही हो सकता है कि आपका जो पिन कोड है वो सर्विसेबल नहीं है, यानी कि जिस भी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो बैंक आप पर्टिकुलर आपके एरिया में क्रेडिट कार्ड की सर्विस देती ना। तो उसके लिए आप कितना भी हाथ पैर मार लो वहां पे आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन बार बार कर दिया जाएगा, अप्रूव नहीं होगा। तो इसीलिए वो सबसे पहले आप लोग को ये देख लेना है कि जिस भी बैंक में आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलर वो बैंक आपके एरिया में क्रेडिट कार्ड की सर्विस देती है या फिर नहीं। इसके अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है, जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बार बार आप लोग अपना जो डिटेल्स है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ऑक्यूपेशन डिटेल्स, इसके अतिरिक्त एड्रेस, वो आप लोग बार बार चेंज कर रहे हो। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग चालाकी करके सोच रहे हो कि हम बार बार अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स या फिर ऐसा एड्रेस डिटेल्स बार बार चेंज करके उनको बैंक वालों को चकमा दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप लोग कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका क्या चेक होता है, सिविल चेक होता है। तो सिविल में ही सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों को आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड से ही मिल जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप अपना एड्रेस बार बार चेंज करें या फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बार बार चेंज करें या फिर मोबाइल नंबर। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मैंने तो काफी लोगों को यह भी सुना है कि मोबाइल नंबर, जैसे एक मोबाइल नंबर से आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होता है, अप्रूव नहीं होता, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम दूसरे मोबाइल नंबर से सेम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो तो वहां पे आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है, या फिर ईमेल आईडी चेंज करने से क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है। तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बेफिजूल की बातें हैं। मोबाइल नंबर हो या फिर ईमेल आईडी हो या फिर आपका एड्रेस डिटेल हो या फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल हो, ऐसी कोई डिटेल बार बार चेंज करने से आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं होता, क्योंकि सारी जानकारी आपको पता है। मैंने आपको बताया कि आपके सबसे पहले आपका सिविल चेक होता है, उसके हिसाब से ही नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो वहाँ पे जैसे आप लोग को सिविल चेक होगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो पिछला आप लोगों ने अप्लाई किया है, चाहे लोन के लिए अप्लाई किया या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी को दिख ही जाएगा। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बार बार अपने डिटेल्स को चेंज ना करें। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज जरूर आ गई, कभी कभी हम लोग का जो डिटेल्स है वो एक्चुअल में भी चेंज हो जाता है। तो देखिए, एक्चुअल में जो चेंज होता है वो हर बार हर महीने तो नहीं चेंज होता है ना, वो कभी कभी साल भर में एक बार हो गया है, फिर मैक्सिमम दो बार चेंज हो गया, उससे ज्यादा तो फिर चेंज नहीं होता, तो साल भर में वो भी चेंज नहीं होता। तो इसीलिए जब भी आप लोग अगर चेंजेस करके कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई, तो आप लोग मैक्सिमम 3 महीने का जरूर वेट कर लें। जैसे कि पिछला क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई किया था 3 महीने पहले, तो 3 महीने बाद आप लोग को नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है तीसरा, वो है कि आप सबसे पहले तो अपना सिविल स्कोर जरूर चेक कर लीजिए जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हो। तो अगर आप लोगों का सिविल स्कोर लो है तो वहां पे 99% चांसेस होते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन कर दिया जाता है। तो सबसे पहले सिविल स्कोर जरूर चेक कर लें। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो वहां पे 100% चांसेस होते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए, उसमें भी 1% चांसेस ना होते हैं, क्योंकि कोई अदर रीजन भी हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं हुआ हो।
तो तीसरा रीजन, पहले सबसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आप अपना सिविल स्कोर जरूर चेक कर लें। तो जब भी आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करने जाओगे तो वहीं पे नीचे की साइड आप लोग देखोगे तो वहां पे आप लोग को इंक्वायरी भी देखने को मिलती है, यानी कि आपने पर्टिकुलर उस मंथ में या फिर उसके पहले कितनी इंक्वायरी है, कितनी बार लोन के लिए आपने अप्लाई किया है, फिर कितनी बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, सारी इंक्वायरी वहां पे आप लोग को सिविल में ही नीचे की साइड देखने को मिल जाती है। और फ्री में ही लगभग आप लोग को लगभग सभी एप्लीकेशन में आजकल सिविल स्कोर या फिर जो फुल क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री है वो देखने को मिल जाती है। तो वहां से आप लोग चेक एक बार जरूर कर लेना, यानी कि जिस भी मंथ में आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हो आप लोग अपने दिमाग में एक चीज जरूर बैठा लेना कि उस मंथ में ज्यादा इंक्वायरी ना हो या फिर उसके पहले वाले मंथ में ज्यादा आपकी इंक्वायरी ना लगी हो, एक चीज का ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ज्यादा इंक्वायरी होने की वजह से भी क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन कर दिया जाता है। इसके साथ ही अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमारे पास पहले से ही 2-3 क्रेडिट कार्ड है, फिर भी हम नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए वहां पे हमारा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन कर दिया गया। तो देखिए ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो इनकम हो ना वो आपके क्रेडिट लिमिट से कम हो, यानी कि आपका क्रेडिट कंजम्पशन कम हो रहा है और आपकी लिमिट ज्यादा है और आपकी इनकम कम है। तो बैंक वहाँ भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आप लोग का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो पैन कार्ड नंबर डालते हो वैसे ही आपकी सारी सिविल रिपोर्ट वहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट दिख जाती है, तो बैंक से कुछ भी छुपा नहीं रहता, तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो ये तो हो गया लो क्रेडिट कंजम्पशन के कारण आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन करता है, लेकिन अगर आपका क्रेडिट कंजम्पशन ज़्यादा भी है तो भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो सकता है। तो अगर आप लोग का क्रेडिट कंजम्पशन 30% यानी कि आपका जितना भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उससे 30% आप लोग लगातार यूज कर रहे हो, 1-2 महीने अगर आप लोग यूज कर लेते हो 30 से 40 हो गया 45 हो गया तो कुछ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोग लगातार अपना क्रेडिट लिमिट ओवर यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन कर दिया था। तो इस चीज का भी आप लोग जरूर ख्याल रखना। साथ ही बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिस बैंक में वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उस बैंक में उनका पहले से रिलेशनशिप है, यानी कि उस बैंक में उनका पहले से भी कोई अकाउंट है, फिर भी उनका जो क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट है वो डिक्लाइन कर दिया गया है। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है ना कि आप बैंक में जो डिटेल्स फिल किए हो वो डिटेल्स आप लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय वो डिटेल्स फिल ना करो, यानी कि आपके डिटेल्स मिसमैच हो जाता है, इसके कारण भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को कुछ कॉमन रीजंस बता दिया, अगर मैंने तो पहले ही आप लोग को बताया है कि हो सकता है कि आपका रीजंस इन रीजंस के अलावा कोई अदर रीजन हो, तो अगर आपका कोई अदर रीजन हो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने का रिजेक्ट होने का तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। ओके तो अब आप लोग को बताते हैं कुछ ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड अप्रूव करा सकते हो। तो सबसे पहला जरूरी ये है कि अगर मान लीजिए मल्टीपल टाइम्स अगर आपका यानी कि एक से ज्यादा टाइम्स अगर आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट किया जा रहा है तो वहां पे आप लोग को 3 महीने कम से कम इंतजार कर लेना, यानी कि अगले 3 महीने तक आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी बैंक में किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है। मैक्सिमम 6 महीने के लिए अगर आप लोग रुक सकते हो तो सबसे बेस्ट है, यानी कि 6 महीने तक रुक जाइए उसके बाद ही कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए अगर मल्टीपल टाइम्स अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि बार बार अगर आप लोग करोगे तो बार बार वो डिक्लाइन होता जाएगा और भी ज़्यादा इंक्वायरी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप लोग का मल्टीपल टाइम्स डिक्लाइन हो रहा है मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रहा है तो 6 महीने के लिए एक बार फुल स्टॉप ले ही लो, और इन 6 महीनों में आप लोग अपने सिविल पे अच्छा खासा वर्क कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि उनका सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा लो है या फिर उनका सिविल ही नहीं है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है बहुत पहले, अगर आप लोग बोलोगे कि सिविल कैसे इंप्रूव करें तो उसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, फिर भी थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं कि सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट वे अपना पहला क्रेडिट कार्ड पाने के लिए वो ये है कि सबसे आप लोग हर चीज़ भूल जाइए, जो भी चीज़ें मैंने आप लोग को अभी तक ज्ञान बताया है ना वो सब भूल जाइए, आप लोग सीधे जाइए HDFC बैंक में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपना एक अकाउंट ओपन कर लीजिए, जो जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है 5,000-10,000 रुपये से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके बाद उस अकाउंट को आप लोग रेगुलर अच्छे से यूज करिए, 5-6 महीने आप लोग यूज करिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अपना पहला क्रेडिट कार्ड जरूर से मिल जाएगा, वो भी प्री अप्रूव्ड ऑफर के रूप में। मुझे भी अपना पहला क्रेडिट कार्ड ऐसे ही मिला था। सो आप लोग HDFC बैंक में, क्योंकि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर्स को, यानी कि जिनका उनके उनसे रिलेशनशिप अच्छा रहा हो। इसके साथ ही एक काम और आप कर सकते हो कि जैसे अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड के लिए आपका रिजेक्ट हुआ कोई क्रेडिट कार्ड, तो आप लोग पर्टिकुलर उस बैंक से
रीजन पूछ सकते हो कि अगर किस रीजन के कारण उन्होंने आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन यानी कि रिजेक्ट किया, जिसके कारण नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो वहां पे उस चीज में सुधार कर सकते हो। बट मोस्टली बैंक तो ऐसा बोलती नहीं, इंटरनल पॉलिसी बोल के वो बात को रफा दफा कर देती है। ओके सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को लगभग जितने भी कॉमन रीजन है इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोग को बता दिया। फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोग के कोई भी डाउट न रह जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। इसके साथ अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर करना कंपलसरी है और बैंकिंग अपडेट्स के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नए हो तो इसी तरह बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।